अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड फ्रेंड। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे पास अभी जो है मोबाइल है ये रीडमी 9C है। ठीक है, मैं आपको जो सेटिंग में लगा दिखा देता हूँ इसका मॉडल नंबर। ठीक है, हम जो है उसके अबाउट में आ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिवाइस का नेम जो है वो 9C है। ठीक है, और ये मेरे पास जो है वो 3/64 है, यानी कि 3 GB इसकी रैम है। स्पेसिफिकेशन में आ जाते हैं, 3 GB रैम है, ऑक्टा कोर है और जो इसकी मेमोरी है वो 64 GB है। ठीक है, और इसमें जो MIUI वर्जन है वो 12.05 है, सॉरी 01 है। ठीक है, तो इस मोबाइल में जो है हमारे पास सेकंड स्पेस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। अगर मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे भी जो है मुझे ये सेकंड स्पेस का ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, सेकंड स्पेस हम टाइप कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सेकेंड क्लॉक आ रहा है, लेकिन सेकेंड स्पेस का ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और वैसे भी जो सेकंड स्पेस का ऑप्शन आता है वो स्पेशल फीचर्स के अंदर आता है और यहाँ पे स्पेशल फीचर्स का कोई टैब जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर आपके पास 9C का मॉडल है मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं रीडमी 9C, तो आपके पास भी जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर इस मोबाइल के अंदर आपको सेकंड स्पेस यूज़ करना है तो उसकी भी जो है वो एक ट्रिक है, उसके ज़रिए आप जो है उसमें इस मोबाइल में भी सेकंड स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, एक्टिविटी लॉन्चर। ठीक है, एक्टिविटी लॉन्चर को आप इंस्टॉल करेंगे, कुछ KBs की जो है ये फाइल होती है और इसका काम ये होता है कि आपकी ये मोबाइल की हिडन ऐप को एक तरह से ओपन कर देती है। ठीक है, इसका सिक्योरिटी स्कैन हो रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, तो अब आपके मोबाइल में जितने भी फीचर्स होंगे, ठीक है, और वो किसी वजह से परफॉर्मेंस की वजह से या स्पीड की वजह से जो है वो उन्होंने हाइड किए होते हैं, तो ये उनको भी जो है वो ओपन कर देगा। यहाँ पे जो हम टाइप करते हैं सेकंड स्पेस, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास इसमें सेकंड स्पेस का ऑप्शन आ गया है। सिंपल, आपको सेकंड स्पेस पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको टर्न ऑन, अच्छा अगर मैं अभी इसको टर्न ऑन करूँगा तो जा सकते हैं फिर वीडियो जो है मेरी क्लोज़ हो जाएगी और जो है वो बस यहीं तक वीडियो बनेगी, इसके आगे नहीं बन पाएगी क्योंकि जो है वो आपको पता है मोबाइल जो है स्विच हो जाता है तो वहाँ की सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो मुझे बस आपको वीडियो में यही दिखाना था कि आप रेडमी 9C में भी जो है वो सेकंड स्पेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जो यहाँ से जो है सिंपल आपको बस एक्टिविटी लॉन्चर को इंस्टॉल करना है और उसके बाद फिर जो है सेकंड स्पेस आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपके पास जो है वो इसमें ऑप्शन आ जाएगा और आप जो है वो आराम से इसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल माइक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके साथ जो है इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, खासतौर पर शाओमी के हवाले से, तो उसमें सेकंड स्पेस हो गया, ड्यूल ऐप स्टोरेज हो गया, ठीक है, तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैंने जो अपने चैनल पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं पहले से और आप वो भी देख लेंगे तो आपको जो है वो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।